दोस्तों, भगवान शंकर को आदिदेव कहा जाता है। यदि भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया जाए तो संसार की हर सुख सुविधा, धन दौलत, ऐसो आराम सब कुछ प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। भोलेनाथ प्रसन्न हो तो भिखारी को भी राजा बना देते हैं और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शंकर को ऐसी कौन सी चीज़ें चढ़ाई जाएं और सोमवार के दिन कौन से उपाय किए जाएं जिससे आप अपनी गरीबी को मिटा सकें। तो अगर आप भी जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, पहली चीज़ है शिवलिंगी का फल। शिवलिंगी के सिर्फ एक फल से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ये फल आपको सोमवार के दिन भगवान शिव जी को समर्पित करना है। इससे भगवान शिव हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो अगर आप धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं, तो शिवलिंगी के दो पके हुए फल सोमवार को भगवान शिव जी को जरूर चढ़ाएं। इससे आपको अनंत स्रोतों से धन प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, सफ़ेद कनेर का फूल। अगर कोई भी व्यक्ति सफ़ेद कनेर के फूल की माला बनाकर सोमवार के दिन यदि शिव जी को पहनाते हैं तो इससे अचानक धन प्राप्त होता है। किसी लॉटरी सट्टे के माध्यम से धन प्राप्त होता है या फिर गिरा हुआ धन, गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है और व्यक्ति की जन्मों जन्मों की गरीबी और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, सफ़ेद आग के पत्तों की माला बनाकर भी भोलेनाथ को अर्पित करने से कुंडली में धन योग जागृत हो जाता है और अनंत स्रोतों के माध्यम से धन प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि व्यवसाय और कारोबार में घाटा हो रहा है, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है या रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो किसी भी सोमवार के दिन तीन बेलपत्र पर एक एक जोड़ी फूल वाली लौंग रखकर किसी शिव जी के मंदिर में जाएं और हर बेलपत्र को हाथ में रखकर 21 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी को चढ़ा दें। इस तरह तीनों बेलपत्रों को शिव जी पर चढ़ा दें। ये उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएगी। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति होगी, रोजगार मिलेगा और अचानक किसी बड़ी डील के माध्यम से करोड़ों का फायदा होगा। दोस्तों, सोमवार के दिन शिव मंदिर से ये चीज़ें ले आना। आपको धनवान बनने से, आपको सफल व्यक्ति बनने से और आपके घर में माता लक्ष्मी को आने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन ये उपाय कर लेना, आपकी किस्मत बिल्कुल ही चमक जाएगी, लाभ जरूर ही मिलेगा। ये उपाय धन प्राप्त करने का सबसे सरल और आसान उपाय है। आज मैं आपको तीन ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको शिव मंदिर से घर ले आनी है। अगर आपको इनमें से एक भी चीज़ मिल जाए तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, किसी भी सोमवार के दिन सच्चे भक्ति भाव से शिव मंदिर जाएं और भोलेनाथ की विधिवत पूजा करके ये चीज़ें घर ले आएं। पहली चीज़ है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र। दोस्तों, जो भी शिव भक्त शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं वो बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाते हैं।
आपको उसमें से कुछ बेलपत्र पुजारी जी से प्रार्थना करके घर ले आना है। घर लाकर कुछ पत्ते आप अपने धन स्थान में रख लें। कुछ पत्तों की माला बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। घर में धन का आगमन तेजी से होने लगता है और घर के सदस्यों की कुंडली में राहु केतु या शनि जैसे ग्रहों का दोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है। साथ ही इस बेलपत्र को घर में गाड़ने से घर में धन का बंधन होता है। माता लक्ष्मी घर में निवास करती हैं और घर को धन वैभव से भर देती हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फूल। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो फूल होता है वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। इस फूल को लाकर अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो पर्स कभी भी धन से खाली नहीं होगा। यदि आप तिजोरी में रखते हैं तो तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है और भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर सांसारिक इच्छा की पूर्ति होती है। दोस्तों, तीसरी चीज है शिव मंदिर की मिट्टी। शिव मंदिर के प्रांगण या फिर उसके आसपास की मिट्टी बहुत ही पवित्र होती है। आप यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी घर ले आएं और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें दबा दें। इससे घर में किसी भी तंत्र बाधा का प्रभाव नहीं होता है। ये मिट्टी घर में दरिद्रता का नाश करती है। बस आप चुपके से बिना किसी को बताए ये प्रयोग कर लीजिए, आपकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्योदय होगा। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से एक भी चीज अपने घर ले आएंगे तो निश्चित ही शिव जी की कृपा से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको अपार धन प्राप्त होगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमारे धर्म में किसी को प्रणाम करते समय चरण स्पर्श करने की बहुत पुरानी परंपरा है, पैरों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की शक्तियों का प्रवाह होता है। सकारात्मक शक्ति हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है और नकारात्मक शक्ति हमें पीछे ढकेलती है और हमारे जीवन में गरीबी लाने में, निर्धनता लाने में और जीवन में बर्बादी लाने का कारण बनती है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और सरल विधि बताऊंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जूते में रखने से आपका भाग्योदय हो जाएगा, धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको तरक्की मिलेगी। तो दोस्तों, पहली चीज़ है फिटकरी। तंत्र शास्त्र के अनुसार फिटकरी बहुत ही पावरफुल होती है। ये जिस तरह से पानी में डालने से पानी को साफ कर देती है, उसकी गंदगी को ख़त्म कर देती है। पानी में फिटकरी डालकर उस पानी से पोछा लगाने से हर प्रकार का वास्तुदोष समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में चल रही सभी बाधाओं और परेशानियों को खत्म कर देती है। जीवन में चल रही धन संबंधी परेशानियों को दूर करती है। धन आगमन और तरक्की के लिए आपको अपने जूते में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल लेना है। बस आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। ये बहुत ही पावरफुल टोटका है। दूसरे नंबर पर है लौंग। लौंग हम सभी के लिए प्रकृति के किसी वरदान से कम नहीं है। लौंग में इतनी शक्ति होती है कि अगर दो लौंग जेब में रखकर रात में शमशान में जाकर सो भी जाएं तो काली शक्तियां बाल भी बाका नहीं कर सकती। तो अगर जूते में कोई भी व्यक्ति दो लौंग रखकर कहीं जाते हैं तो उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। जो लोग व्यापारी हैं और अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहते हैं, उन्हें तो ज़रूर जूते में दो लौंग रखकर घर से निकलना चाहिए। निरंतर ही आपको तरक्की मिलेगी।
अगली चीज है मिर्च। मिर्च का प्रयोग सदियों से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए किया जाता रहा है। मिर्च और नमक नज़र दोष को दूर करने के लिए सबसे प्रभावशाली तांत्रिक चीज़ें हैं। ये इतना प्रभावी हैं कि इनका प्रभाव कभी कम नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति मिर्च का छोटा सा टुकड़ा या उसके बीज जूते में पैर के नीचे दबाकर रखता है तो ये नकारात्मक शक्ति से बचाता है, तरक्की के नए मार्ग खोलता है और धन आगमन बढ़ाता है। आखिरी चीज़ है कागज के लाल टुकड़े। हर रंग का अपना एक अलग महत्व होता है। लाल रंग मंगल का सूचक होता है, तो अगर आप जूते में लाल रंग के कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख लेते हैं तो जहां भी जाएंगे मंगल ही मंगल होगा, धन ही धन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस तरह छोटे छोटे प्रयोग करके आप धन संबंधी हर समस्या को समाप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रयोग तंत्र शास्त्र में बताए गए हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन ये उपाय करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी किस्मत बिल्कुल ही बदल जाएगी और आप निश्चित ही धनवान बन जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। आप सोमवार के दिन ये उपाय जरूर करें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।